दिन भर की सभी बड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आज 31 जनवरी गुरुवार, आइए जान लेते हैं आज के पेट्रोल डीजल और सोना चांदी के भाव। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें एक बड़ी खबर जो हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए निकल कर आ रही है सामने। इंडियन रेलवे में नौकरी का शानदार मौका, 10वीं और 12वीं पास जल्द करें आवेदन। रेलवे ने बम्पर वैकेंसी निकाली है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने रेलवे अप्रेंटिस पदों पर ये भर्तियां निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया जारी है। कुल 1561 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। आवेदन के लिए न्यूनतम शिक्षा मान्यता प्राप्त स्कूलों से 12वीं पास जरूरी है। आवेदन की आखिरी तारीख 9 फरवरी 2019 है। परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं आज का सोने चांदी का भाव। 6 साल में सबसे महंगा हुआ सोना, चांदी के भी बड़े दाम। विदेशी बाजारों में मजबूती के रुख को देखते हुए दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में तेजी जारी रही और मंगलवार को इसका भाव 100 रूपए बढ़कर 33,750 रूपए प्रति 10 ग्राम हो चुका है। 2013 के बाद सोने के दाम सबसे उच्चतम स्तर पर है। औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं को उठाव बढ़ने से चांदी भी 200 रूपए की तेजी के साथ 41,000 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। एक्सपर्ट का कहना है कि सोने की कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद नहीं है। शेयर बाजार में गिरावट और रुपए की कमजोरी के चलते सोने में तेजी बरकरार रह सकती है। सोने के दाम 2013 में 34,000 के पार पहुंचे थे। इसी के साथ जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। पेट्रोल और डीजल में गिरावट का सिलसिला जारी। आज ये रहा पेट्रोल का भाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में तेजी के बावजूद घरेलू बाजार में गुरुवार को पेट्रोल और डीजल के रेट में गिरावट दिखाई दी। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल के रेट में 10 से 20 पैसे की कटौती हुई। इतनी ही कटौती डीजल के रेट में भी हुई है। इससे पहले बुधवार को पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ था और यह मंगलवार के रेट पर भी दिखाई दिया। बुधवार सुबह दिल्ली में पेट्रोल के रेट 10 पैसे घटकर 71.09 रूपए प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया था और वही डीजल के भाव में 8 पैसे की गिरावट के साथ 65.81 रूपए के स्तर पर पहुंच गए थे। बात करें आज की, तो आज दिल्ली में आज डीजल 65.81 रूपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है और पेट्रोल 21 पैसे की गिरावट के साथ 70.68 रूपए प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है। जानकारों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में ज्यादा तेजी नहीं आएगी, इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता का माहौल बना रहेगा। दोस्तों ये थे आज के पेट्रोल डीजल और सोना चांदी के भाव। आप भी हमें अपने शहरों के पेट्रोल और डीजल के भाव कमेंट करके बता सकते हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।